प्रिया जी का बहुत अच्छा लगा, सर का मैंने फर्स्ट टाइम देखा लेकिन बहुत अच्छा लगा, पूरी टीम को कंग्रेचुलेशंस और थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट किया आज, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और आपका वर्क बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अभी कल सरगुन मेहता का एक गाना शूट हुआ था तो हम उनके पार्टी में गए थे परसों, तो मुझे लगा उसी लेवल का गाना है ये, पता नहीं वो कैमरा नहीं था वो सब कुछ नहीं था लेकिन रिलीज की डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, मतलब आप आर्टिस्ट तो थे लेकिन आर्टिस्ट जो कौन निखारता है डायरेक्टर, और एडिटिंग जो भी विक्रम की थी और सब था वो बहुत अच्छा था, विक्रम होता उसको मेरी मुबारकबाद दे देना, और सच में इस तरह से ग्रो करते रहो। आप लिखते आपने खुद लिखा था, उनके लिए भी एक बार तालियां भी आपके लिए, अच्छा लिखा था और आपने तो खैर वो जिम वाला मुझे शॉट बहुत अच्छा लगा, शॉट बहुत अच्छा शॉट था, तो रियली मुझे पहला इंप्रेशन जो था ना ऐसा लग रहा था जैसे बाहर का कोई गाना है और हमारे जम्मू में शूट है, बहुत बड़ी बात है सच में, और उसकी बीट बहुत अच्छी है यार, क्या राजदीप ध्याड़ी जी, बड़े सारे कलाकार न, बड़े बड़े फनकार, सिंगर, थिएटर आर्टिस्ट, एक्टर, और साढ़े कन्ने ये सारे लोग ते हैं लेकिन शेरनी भी साढ़े कन्ने, तो शेरनी पता कौन है तुम जानते हो? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबको मेरा नमस्ते, और आज हम नया गाना रिलीज हुआ टैटू वाली कुड़ी, तो गाना बड़ा गया शहर है, सारे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, सारे में हमेशा यू आखनी कि सारे मिलिए काम करो, और आदित्य भानु होरें जेड़ा वीडियो बनाए दा, क्या बिंदास वीडियो बनाए दा, और पूरा एक ना माहौल की वैसा बनाई ओढ़ देना, क्योंकि देखो ना एक आम औरत की उन्हें शेर नहीं बना उड़िया, तो ऑब्वियसली तुस गाना दिखो, उस गाने की दिखो उन्हें किया कितना, बाकी सारे को पहले जेड़ा गाना हा जिस गाने की दिखी है मैं शेरनी गाना उन्हें दिता, और जेड़ा केड़ा गाना नू चाहिए, नू चाहिए पहले, नू चाहिए फिर शेरनी, थर्ड वन टैटू वाली कुड़ी, अस तुसे सस्पेंस आने आ कि दिखो और सानू दसो कि शेरनी ओदे च आई दी है या नहीं आई दी है, कैसा भी सुनाई दो साडा भी जल्दी कोई गाना आ रहा है, हां बहुत जल्दी साडा गाना आ रहा है लेकिन सरप्राइज है, लेकिन मैं सोचा दिया, अरे सोचा देना चल कोई गल तो सोचो, सोचा दिया ते अगली बार यहां की मुलाकात करके बिल्कुल, और शेरनी मता मता शेयर करो, ये नहीं संध्या नहीं क्योंकि तुसे पता है कि शेरनी अनक दे बिना नहीं आंदी, हां राती वैसे शाम होई दी है वैसे इस वेले ठीक है, लेकिन मी लवदा नहीं है 6 बजे के बाद अनक पानी पोंदी, तुसे बोल रहा था बोलते कादा खरंदरी होते ते खैर जोगी से पार मतलब मता शेयर करो हर कलाकार की जेड़ा तुसे प्रमोट करो शेयर करो ते अपना योगदान और देखो गाना किने है साढ़े कन्ने ने, सर जी अज 14 फरवरी ते एक गाना भी रिलीज होया है, के की शकना चाहंदे हो टैटू वाली कुड़ी सॉन्ग के लिए? मैं ते पूरी टीम की मुबारक दिनी हां, बहुत शैल काम कीते दा, और सारे शा बड़ी गल है कि जब तक थोड़ा काम तुस करा दे होंदे हो तुंदे तक नहीं पुजदा होंदा, पब्लिक तक नहीं पुजदा होंदा है, तदों तक ते आर्टिस्ट ते ना होंदा, लेकिन जे रिलीज होया गाना ते मतलब पब्लिक दा है, ते सारे जने दिखियो, सारे कन्ने शेयर करियो और अपने रिव्यू जरूर दियो कि तुसी की गीत कनिया लग्या, और टीम की मुबारकबाद भी भेजियो। ए बड़ी शैल गल है सर, सोरना कुसे दा भी गाना रिलीज होए तो उत्थे पुजने दी कोशिश करदे, खाली पुजदे नहीं है, उहदा गाना शेयर भी करदे, कमेंट भी करदे, काश इहो जी सोच हर इक बंदे दी होई आ ना, ते साडी जिहड़ी इंडस्ट्री आ फुलदी फलदी हो। बिल्कुल, और ए भी ऐसे प्राणी न कि हर एक शो च पुजदे, हर एक रिलीजिंग फंक्शन उपर पुजदे, मैं तुंदा भी दिल दी गहराइयां कन्नै धन्नवाद करनी आ कि जे मी लगदा है कि आर्टिस्ट के एक दूए की सपोर्ट करदे न, पर पब्लिक दा साथ असें कि सारे कोला बड़ा जरूरी चाहिदा हुंदा, इस गल्ला तो सारे जने इस गीत की दिखियो ते सारे कन्नै साझा करो। थैंक यू सो मच ओके ये कुड़ी आखा दी मेरे को डोगरी च नहीं पुछे हो मैं सीखे करनी है, ऐसी गल नहीं है, उइयो कुड़ी है मतलब नू चाहिदी, ओदे बाद बथेरे प्रोजेक्ट दे आए करदे ने ख्वाहिश, और एक ख्वाहिश मी प्राउड फील होंदा कि मैं इन्ना कंफर्टेबल महसूस करना ख्वाहिश करने, कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी रील बनाना तो बड़ा अच्छा फील होंदा, अपनापन महसूस होंदा, तो ख्वाहिश आज जो सॉन्ग रिलीज हुआ है टैटू वाली कुड़ी कैसा लगा, और ये वही डायरेक्टर साहब है जिन्होंने नू चाहिए दी बनाया, ये वही सिंगर है आरके जी जिन्होंने ये गाना लिखा हुआ है, तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो थैंक यू, इन्होंने मुझे इनवाइट किया और पूरी टीम का सॉन्ग देख के बहुत अच्छा लगा, और आदित्य सर के साथ पहले वर्क किया तो आदित्य सर का तो पता ही है कि उनका हर वर्क माइंड ब्लोइंग वर्क ही होता है, और प्रिया का अच्छा लगा मुझे, और जो सिंगर है उनका फर्स्ट टाइम देखा मैंने बहुत अच्छा लगा, पूरी टीम को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन। और कुछ कहना चाहते हैं मतलब आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर, कितना लंबा इंतजार है? आपके डोली सॉन्ग ने बड़ा रुलाया कसम से, राजू विजय प्रिया सर सल्यूट है सर, जो आप गाते हो जो आपने निभाया है और जो इससे रुलाया है, तो खैर मुझे इस गाने के बारे में एक चीज़ मालूम है कि जब आप वो शूट करके कंप्लीट करके जा रहे थे तो वहाँ के गांव के लोग भी रो रहे थे,
कि एक परिवार वाले वहाँ पर रिलेशन बन गया था? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि इस गाने मेरे गाने डोली को बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप सब ने, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और सिंगर जैसे कि आप सभी को पता ही है राजू विजयपुरिया जी जो कि रियासी से है, उनका नाम क्या बोलूँ मैं, उनको तो बच्चा बच्चा जानता है जम्मू का। और जब मैं छोटी थी मैं उनको देखती थी कि वो सिंगिंग करते, और आज मैं उनके साथ मैंने परफॉर्म किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। लोगों ने कमेंट नहीं कि पहले नू चाहिए थी बाद में डोली? नहीं ऐसा कमेंट। खैर ख्वाहिश को इस तरह से प्यार देते रहो और सभी कलाकारों को सपोर्ट करते रहो। केवी ऑन द बीट ते केवी मतलब दिली खुशी होती है जिसे केवी नाल मिलो ना, मतलब एक दे बाद एक प्रोजेक्ट और क्या दमदार, मतलब उन एक आदत जी हुई है कि हाँ भाई अगर केवी दी बीट ना तो मज़ा नहीं आया करता। केवी बैक टू बैक इन सॉन्ग ते उन टैटू वाली कुड़ी गाना चलो मेरा करना काफ़ी देर पहले तो बनया वो सीगा वर्जन केवी ऑन द बीट 2.0। ओके ठीक है, हूँ जो वर्जन केवी ऑन द बीट 3.0 आना ना फरवरी महीने अगे तुम लैना सुननी है डिफरेंट है, बहुत कुछ डिफरेंट होने वाला है। केवी ऑन द बीट यार भी डिफरेंट होगा वे क्योंकि हूँ जो भरा का प्यार मिलता है ना, क्योंकि इस भरा ने ना केवी ऑन द बीट ने इन्ना कॉन्फिडेंस दे छड़े ना, इन्ना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कि सच्ची नीयत का बंदा और सब तो बड़ी गल है मेहनती इंसान है और रब चढ़ती कला च रखे हमेशा। केवी और किन्ने प्रोजेक्ट आए करदे ने भाजी? हुण ते मैं सीधी गल करना ईपी आ 5 ते एल्बम आ 10। क्या बात, मतलब कि 5 गाने की ईपी तो 10 गाने की एल्बम आ रही है, तो मतलब 15 गाने तुम लिख लो जो डन है, बस हूँ रिलीज का देख रहे हैं कि कदों करना, क्योंकि हूँ एक एग्जाम्पल सैट करनी है, क्योंकि काफ़ी हूँ पिछले जी मैंने कुछ सुनने को मिला से अपने बारे में वो ही थोड़ा डाउट है जो ईपी का नाम है डोंट स्टॉप। बिल्कुल बिल्कुल भाजी वही है डोंट स्टॉप है, रुकना नहीं है, आप काम करते रहना तो बहुत आते हैं। क्या बात है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ आज के गाने के हीरो हैं और अरे हीरो ही हैं, मतलब अगर उनके साथ टैटू वाली कुड़ी थी तो तुम्हारे पास भी तो टोपी वाली कुड़ी थी। वो है। और कहने का मतलब रोल तो आपका भी था। अरे टोपी वाली कुड़ी हम सेकंड गाना बनाएंगे, मतलब टोपी वाली कुड़ी मतलब ठीक है उसमें हम बनाएंगे। देखो टैटू वाली उसमें हीरोइन कौन लेंगे आप? टोपी वाली जिसने टोपी पहनी हो, हमने ऑडिशन रखने हैं जो टोपी पहन के मतलब कैमरा अच्छा लग रहा हो, अच्छा मतलब कैमरे से कैमरे में अच्छा लग रहा है। और आपका रोल क्या होगा आप एज ए हीरो? मैम मिर्चा बन के मैं भी टोपी पहन के आ जाऊंगा ऑडिशन देने से। खैर मुझे बताओ कहाँ ये शूट हुआ है, क्योंकि बड़ी लोकेशन नहीं है और अनएक्सप्लोर है, और यही शायद डायरेक्टर हमेशा कोशिश करते देते हैं भानु। मस्ती कितने की और कहाँ शूट हुआ? देखो मस्ती बहुत ज़्यादा की है और हमने उधमपुर रोड पे ज़्यादा शूट किया है इस गाने को, और जैसे जम्मू की जो लोकेशंस है उनको दिखाने की भी कोशिश की है, जम्मू की ब्यूटी को, जैसे कि रेस्टोरेंट्स वगैरह तो दिखाते हैं लेकिन जम्मू की नेचुरल ब्यूटी भी दिखाने की कोशिश। ये बड़ी अच्छी बात है, शुरू में जो आप एस्टैब्लिशिंग शॉट देखोगे ना वहीं से आपको समझ में आ जाएगा, वहीं से समझ आ जाएगा। बिल्कुल अच्छी। बताओ और भी प्रोजेक्ट अब आने वाले समय देखने को मिलेंगे? आपके साथ ही आएंगे तो जी बिल्कुल, हम एक साथ करेंगे और जरूर ढेर सारी और बढ़िया सा गाना लेकर आ रहे हैं, हम साथ में लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी आएगा। आपने सनी देओल सुना होगा, तानी देओल सुना कभी? तानी आपने सुना? आपका पूरा नाम क्या? तानी देओल। वेरी गुड, मतलब आपका भी हाथ 2.5 किलो का है? ये पूरी की पूरी 2.5 किलो। मेरा खाने की मर्जी नहीं है वैसे, चलो ठीक है। तानी अच्छा लगा, मतलब यहाँ पर इतने सारे कलाकार आए हैं सीनियर मोस्ट जिन्होंने पूरी पूरी उम्र मतलब दे दी अपनी कला को, सिंगर्स डांसर्स, ओवरऑल फील क्या हो रहा है? फीलिंग्स तो यही बोलूंगी कि सच बोलना, मैंने वो भी शॉर्ट बनाया है कि जब यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की तारीफ करें और आप पूछने में बिजी थे। खाने में जो मजा है ना, सुन भी रही थी, ऐसी बात नहीं है, ऑलराउंडर बंदे को होना चाहिए। बिल्कुल जी, साथ साथ में खाओ, साथ साथ में कान सुनो। कान सुनने का काम करते हैं और ये खाने का काम करते हैं। खाना मेन होता है, पहली बात तो ये ना, पेट भरो फिर बंदा थोड़ा अच्छा रहता है, एक्टिव रहता है ना। अच्छा तानी कभी ऐसा हो घर पे मेहमान आए हैं और मतलब जैसे वो बाहर निकले टूट पड़ो? Exactly, ये तो सारे करते हैं। मुझे अभी भी वो वाली रील बनानी है, वो चुटकी वाली।
वो बनती कैसी है? मैं तो डायलेक्ट सुना था, आपको मैं बहुत बार सिखा चुकी हूँ वैसे, बट चलो कोई बात नहीं, किसी दिन आपको डेमो देना पड़ेगा, देन शायद आपको तब पता। मैं यही तो चाहता था, भावनाओं को समझो, डेमो में समझ आएगी असली, प्रैक्टिकल वे में समझ आएगी। अच्छा सॉन्ग के बारे में क्या कहूँ, सॉन्ग के बारे में तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पहली बात है कि आपको ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन होता है जो, मतलब कि एक बंदे को होता है कि वो देख के आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा जी। और मैं बोलूँ कि जब वो स्टार्ट ही हुआ था तो एक बहुत अच्छी वाइब आई थी, और मैं तो ये बोल, पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम, गाना बहुत ही अच्छा था और सुनकर तो और बहुत अच्छा लगा, तो मैं तो यही बोलूँगी इवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द टीम। एग्जैक्टली, ये अच्छा लगता है। हाँ जी बिल्कुल, जम्मू वाले इकट्ठे मिलकर काम करो तो और बहुत अच्छा लगता है। तो पहले तो यही बोलूँगी कि आप सॉन्ग जो भी सुन रहा है देख रहा है वो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, ताकि इन लोगों को भी पता चले कि आप लोगों को कैसा फील हुआ है, कैसा लगा है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। कसम से इनको देखकर ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्माइल आ जाती है, कुछ वैसे ही जैसे इंसान डोमिनो से पिज्जा ऑर्डर करता है और बंदा कहता है एक्स्ट्रा चीज बस करना है, ऐसे ही होता है ना। हाँ। जूही पिछले काफ़ी देर से आप गायब थे, बस पूछना चाहता कई रीजंस हो सकते हैं, बट अचानक से आपने डेडली एंट्री किया यार, मतलब थिएटर आप कर रहे हो, सॉन्ग आप कर रहे हो, और कैसे मैनेज करते हो सब चीज़ें? मेरा मानना ये है कि थोड़ा काम करो बट अच्छा काम करो, तो थोड़ा टाइम मिला अपनी तरफ से, अच्छा काम मिला है तो मैनेज कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। इस सॉन्ग को लेकर मैं ये बोलूँगी कि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हमारी लोकल जगहें जो जम्मू की है स्पेशली, वो इसमें उन्होंने कैप्चर की है, प्लस इसमें हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं जम्मू के, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे पर्सनली गाना बहुत अच्छा लगा, मुझे लोकेशन, उसकी डायरेक्शन सब कुछ बहुत अच्छा था, कास्ट बहुत अच्छी थी, एंड मैं पूरी कास्ट को कंग्रेचुलेट बोलूँगी, बिकॉज ये सॉन्ग ना एक लगता ही नहीं कि जम्मू के लोकल सॉन्ग, ये बहुत ही लगता है ना जैसे बॉलीवुड काइंड ऑफ सॉन्ग लगा, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया इसमें। चलो होप कि हम कभी एक साथ इस टीम में किसी प्रोजेक्ट पे काम करें हम सब, क्योंकि हमारी टीम काफ़ी अच्छी है, विक्रम सर है, जितने भानु है, और इस सॉन्ग को भी ज़्यादा प्यार करें। देखो ये बात कर रहे थे कुछ, लेकिन बताता हूँ, ये डायरेक्टर साहब है ना, ये कला एक मैंने सीखनी है इनसे। कौन सी कला? वो कला ये है कि शूट पे बुलाना, हमारा देर से आना, उसके बाद घंटों रिहर्सल करवाना, और उसके बाद अक्षय कुमार की तरह कैंची मार देना। मुझे बताओ ये ठंडे नान दिए थे बदला कब तक लोगे? मतलब क्या अब तो साल हो गया इस बात को, एक साल एक महीना हो गया मतलब। अच्छा पंजाबी गाना और वहाँ आके अब डोगरी बोलोगे तो मैं काटूंगा नहीं तो क्या करूंगा, जोड़ूंगा। तो ये तो डायरेक्टर का काम है ना दिखाना, डायरेक्टर जब शूट कर रहे थे वो DOP विक्रम बैठे थे वहाँ पर, तो वो बोलते ना इस समय पंजाबी बोलो। देखो मैं हूँ बाहर से, मुझे मत पता है इधर क्या डोगरी और क्या होती है पंजाबी। अच्छा तो नू चाहिए भी आप ही ने डायरेक्ट किया था, वो कहना कोई गलती हो गई माफ कर दो बच्चे की जान लो। ये बात भी है, मुझे बताओ यार मतलब क्या रिकॉर्ड, किसके किसका रिकॉर्ड तो मतलब इतने गाने मतलब कहाँ रिकॉर्ड यार, आपने ही देखो अपनी नजर लग जाती है कहीं मेरी। नहीं नहीं पिछले साल हमारा इतने अच्छे प्रोजेक्ट रहे, 1.5 महीने के बाद एक प्रोजेक्ट आया, इस साल का पहला प्रोजेक्ट है। कोई बात नहीं, आप बस इसी तरह मेहनत करते रहो, अभी आपके ना मैं गारंटी करता हूँ आप पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ोगे। और कौन कौन से गाने स्ट्रीम लाइन पे सच बताना? परसों एक हो रहा पंजाबी, एक और गाना रिलीज हो रहा है, स्पॉन्सर मिल गया, दारू बदनाम ना करो, स्पॉन्सर आ गया नहीं, वो गाना तैयार है। तो स्पॉन्सरों से भी विनम्र निवेदन है, आपके बिना संभव नहीं है ये सच में। आप ऐसे बोलोगे कि बड़ी अच्छी डायरेक्शन है, बड़े अच्छे आर्टिस्टों ने काम किया, बड़ा अच्छा गाना है, लेकिन दिल से आप अगर कुछ कर सकते हो तो प्लीज़। अगर हम हमारे बाहर पंजाब से आते हैं इतने बड़े सिंगर्स, ठीक है उनको भी उनकी भी इज्जत मान कीजिए, क्यों ना अपने कला को सपोर्ट कीजिए। सिर्फ सिंगर्स ही नहीं, बाकी भी आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, और म्यूजिशियंस हैं, डांसर्स हैं, सबको सपोर्ट करो, और मिलकर ही अगर आप सच में चाहते हो कि यहाँ इंडस्ट्री बने तो आप सबको मिलकर ही सपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर बिखरे बिखरे रहोगे और एक दूसरे को लेग पुलिंग करते रहोगे, उसका गाना है नहीं करना है, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, वहाँ वो होगी तो मैं नहीं जाऊँगा, वो चीज़ें जब तक होती रहेंगी तब तक अपनी डफली अपना राग बजाते रहोगे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसने नहीं देखा, तो दिखाने के लिए आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी और आगे आना पड़ेगा। इतने सारे कलाकार आए थे, आई मीन सपना सोनी मैडम यहाँ पर थे, आशीष कोहली जी यहाँ पर थे, सरस भारती जी यहाँ पर थे, ऊर्जा मैडम यहाँ पर थे, संध्या मैडम यहाँ पर थे, मतलब इतने नाम है, विक्रम शर्मा, बलजीत राणा सर, इतने ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे होना, स्पेशल टाइम निकाल कर एक दो घंटा, आपको लगता है यही एक रिश्ता कमाया है एज ए टीम? बिल्कुल, मैं अपनी बात करूँ तो
मैं 10 साल का था जब से मैं मतलब इस फील्ड से जुड़ा हूँ, और हर एक जनरेशन के साथ मैं कह सकता हूँ मैंने काम किया है। जो हमारे सुपर सीनियर्स थे उनके साथ भी काम किया, बहुत कुछ सीखा, सीनियर्स के साथ भी सीखा, अपने कोलीग्स के साथ भी सीखा, और जूनियर्स के साथ जो अभी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनसे भी सीख रहा हूँ। और नहीं, सिखा भी नहीं, वो तो चलो सीखना सिखाना चलता रहता है, लेकिन बात यह है कि सबका अपना अपना जॉनर था, अपना अपना एक तरीका था काम करने का। चार जनरेशन मैंने आपको बता दी, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं चारों के साथ मैंने काम किया है। आपने अगली 40 जनरेशन के साथ भी काम करना है? नहीं सर, इतना किसने जीना है। तो खैर, ढेर सारी मुबारकबाद आपको आने प्रोजेक्ट को लेकर, और भगवान आपको इसी तरीके से जो है चढ़ती कला में रखे और इसी तरीके से प्रोजेक्ट देते रहे, और प्रोजेक्ट से पहले भर भर के जेब भर के प्रोड्यूसर से। आप कब प्रोड्यूस करो? हाँ, मैं भी जल्द प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और उसमें मेन लीड रोल पे आदित्य भानु जी होंगे। तो हाँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं एक्ट भी करूँ, बहुत होगी डायरेक्शन। चलो ठीक है सर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय बाय। तो मेरे साथ प्यारी सी क्यूट सी केके है, और केके ना सिर्फ पत्रकार अच्छी है, अच्छी इंसान है, खूबसूरत है, लेकिन हाँ कभी कभी कैप पहनती है। कैप पहना बुरी बात नहीं है, लेकिन कैप ज़्यादा पहनोगे ना तो ऐसे मेरी तरह बाल खराब हो जाएंगे, आगे से वो मुड़ जाएंगे, लेकिन चिंता की बात नहीं है। हमारे पास स्पॉन्सर हैं, MJ कलर सलून हमारे पास स्पॉन्सर हैं, जो हमें और खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है, डेब्यू सॉन्ग तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इससे पहले आप ऊँचाई दी में आप डेब्यू कर चुकी हो हमारे वाले गाने में, तो हमारे वाले मतलब हम दोनों वाले गाने में। तो अब ये दूसरा गाना बैक टू बैक चौथा है, चौथा हर किसी को बता बता के थक गई। तो पहले दो किधर गए? पहले दो किधर गए? सर ऊंचाई दी फर्स्ट हुआ, ओके, सेकंड हुआ डोली, थर्ड हुआ हैप्पी न्यू ईयर। ओह हाँ, मैं भी कैसे भूल गया, चार में से तीन तो हमारे साथ ही किए हैं। अरे हाँ बिल्कुल, फोर्थ है। और देखो हमने मतलब अभी तक जब से थोड़ी बहुत एक्टिंग सीख रहे हैं, हमने अभी तक चार नहीं किए, और ये स्पीडो स्पीड में चार पहुंच गई, अच्छी बात है, इसी तरह और रोल मिलते रहे। क्या कुछ यादें हैं यहाँ पर स्पेशल जो याद करने वाली हैं? सर यादें बहुत सारी हैं, हमने हंसी मजाक किए, काफ़ी तंग किया, स्पेशली मेकअप आर्टिस्ट के लिए क्रिया को मैंने इतना तंग किया, वो इतना अच्छा मेकअप करते हैं, तो मैंने उनको इतना तंग किया, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, मेकअप करना सीखा, एक्टिंग में उनसे काफ़ी कुछ सीखा, ड्रेसिंग सेंस, मतलब जैसे हमने देखा होगा कि हम दोनों ने सूट पहना है स्टार्टिंग में, हमने ड्रेस पहनी, तो सबने हम दोनों ने कलर कोऑर्डिनेट करके, मतलब इतनी अच्छी दोस्ती होगी हमारी, वो मुझसे काफ़ी सीनियर, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं उनसे ये वैसे छोटी है या फिर ये जर्नलिस्ट है इस फील्ड से नहीं है, उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोची, उन्होंने मुझे गाइड किया। एक को आर्टिस्ट हैं जो जर्नलिस्ट भी हैं, वो भी इस गाने में दिखे हैं, और अंकुश मतलब काफ़ी ऐसे जैसे कॉर्पोरेट लुक उनकी आई है, जैसे कोई ऑफिस का कोई बॉस हो इस तरीके से, तो उनके साथ भी जुगलबंदी अच्छी रही। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा था कि मैं लड़की की दोस्त थी, वो लड़के के दोस्त थे, तो लास्ट में हम दोनों ने सेटिंग करवानी थी, ऐसा ही कोई सीन था, तो यही सब चीज़ें चल रही थी, तो दोनों का सेम रोल था, लेकिन हम दोनों ने काफ़ी तंग किया, क्योंकि पीछे से हमने कितनी बार प्रॉब्लम थी, हम गप्पे मारने लग जाते थे। आपने हैप्पी न्यू ईयर के दौरान एक वादा किया था शूट के दौरान, आपको वादा याद है? मेरे पास वीडियो पड़ी है अभी तक, मैं दोबारा शेयर की थी। नहीं आपने शेयर की थी, लेकिन मैं वो वीडियो दर्शकों को दिखाऊंगा। आपने क्या वादा किया था याद करो? कि हम साथ में प्रोजेक्ट करेंगे। वो दिन कब आएगा? स्पॉन्सर मिलेंगे। चलो स्पॉन्सर भी ढूंढ लिया, तो फिर शूट कब शुरू करें? गाने सर लिखे हुए हैं। हाँ कुछ सर थी जिनकी ये बात कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट लुक वाले, उनने तीन गाने लिख लिए हैं, एक गाने में मैं और आप, एक गाने में अंकुश सर और आप, और एक गाने में खाली अंकुश सर। अंकुश सर ठीक है, तो कह रहे थे सारा प्यार दो केके को, काफ़ी अच्छी जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी अच्छी इंसान है, और बेहतरीन एक्ट्रेस भी जो हैं धीरे धीरे सीख रही हैं, और मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीखते हैं, हर दिन इंसान सीखता है, तो मुबारकबाद दीजिए और ढेर सारा प्यार इस गाने को भी दीजिए। फिर बताइए कैसा लग रहा है आपको, आपका फाइनली गाना रिलीज हो गया है चार महीने बाद। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो केके यहाँ पे आने का, और इस पूरे प्रोग्राम को कवर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप भी वैसे पार्ट थे इसका। हाँ ये चार महीने बाद बट चलो इवेंचुअली हुआ है, ये अच्छी बात है, और ये अपने चैनल पे हुआ है मेरे, वो अच्छी बात है, और सबकी मेहनत जो है वो रंग लाई है इसमें। आपने प्रोजेक्ट को देखा ही है, किसने कैसे एक्ट किया है, किसने लिखा है, किसने म्यूज़िक बनाया है, कोई वीडियो बना रहा था, किसने यू नो DOP किया है, तो सबका जो यू नो सबकी एफर्ट्स थे वो सारे सबके नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना है, मेरे ही चैनल पे रिलीज़ हुआ है, उसका नाम है RB म्यूज़िक, इसको सब्सक्राइब करो प्लीज़,
और यू नो गाने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमें भी यू नो एक सपोर्ट मिल सके। जी अब दो लाइनें हो जाएं गाने की सर। हो आई सी सहेलियां ना सूट पाया चकमा किन्ने पोले पाले मुंडे मारे उन्ने आखना ओ केंदे नख रहा ओ केंदे नख रहा ओ केंदे नख रहा रखान दा जग ला गया नख रहा रखान दा जग ला गया नाल दे शकीन मुंडे पुछ दे बठा के केंदा टैटू वाली कुड़ी उते टैटू वाली कुड़ी उत दिल आ गया आई सी सहेलियां ना सूट पाया चकमा। जी जी सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप मेरा जाते होते ना एक सवाल है मैं सबसे पूछ रही थी क्योंकि थोड़ा डिफरेंट करना ही होता है जैसे आपको पता ही है सब लोग सेम सेम कर रहे हैं गाना कैसा लगा गाना कैसा लगा थोड़ा डिफरेंट होता है मेरा। तो मेरा एक सवाल है टैटू वाली कुड़ी है गाने का नाम तो आप बताइए सच में आपको पसंद है टैटू बनाना कि नहीं? नहीं यार बिल्कुल नहीं पसंद है मेरे को टैटू बनाना सच बोल रहा हूँ बट ये गाना बहुत बहुत ब्यूटीफुली लिखा है थैंक यू हरमन गुलजार ये गाना लिखने के लिए। आपने नहीं लिखा ये गाना? ये गाना मैंने नहीं लिखा मुझे लगा आपने लिखा है। तो आपने जो आप कोई दो लाइनें सुना दे मैंने देखा पॉज में आप आए थे आपको पता मैंने भी रिकॉर्ड किया था आपको दो लाइनें वो कोई बंक करना दोस्तों के साथ वाला कुछ बैक टू कॉलेज। हाँ बैक टू कॉलेज मैं आज फिर कॉलेज मुड़ना चाहना हाँ मैं आज फिर कॉलेज मुड़ना चाहना हाँ तैनू दिल दिया सुना के गल्ला लोना चाहना हाँ कुछ छड़े बेपरवाह यार मनाना चाहना हाँ कुछ छड़े बेपरवाह यार मनाना चाहना हाँ सब नू दिल दा हाल सुनाना चाहना हाँ यारियां ते कॉलेज बिच रह गई यारियां ते कॉलेज बिच रह गई बाकी सब चलदा ते पार सुनाना चाहना हाँ मैं फिर कॉलेज मुड़ना चाहना हाँ तैनू दिल दिया सुना के गल्ला लोना चाहना हाँ माँ प्यो नालो झूठे वादे बदले फीस वापस करना चाहना हाँ गुना दे अधूरे सपने पूरे करना चाहना हाँ मैं फिर कॉलेज मुड़ना चाहना हाँ तैनू दिल दिया सुना के गल्ला लोना चाहना हाँ। तो सपना सोनी जी हमारे साथ है और इस समय उड़ारियां जो हैं सीरियल आप सबका चहिता प्यारा मुंबई में भी ये उड़ारियां मार रही हैं। सपना मैम क्या कहोगे आज के गाने को लेकर उड़ारियां तो सब देखते हैं और हर घर की पहली पसंद बन चुकी है। मैं दो तीन दिन के लिए आई हूँ यहाँ जम्मू लगी कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज आते ही मैंने मुझे वैलेंटाइन डे है जो कि मैं बिल्कुल नहीं मनाती हूँ पुलवामा अटैक हुआ था शहीदी दिवस के रूप में मैं ये दिन मनाती हूँ लेकिन आज के दिन मैं अपनों के बीच में हूँ और सबके बीच में मिलने का मौका मिला। मुझे आदित्य भानु ने यहाँ इन्वाइट किया था उनका डायरेक्ट किया हुआ ये गाना है टैटू वाली कुड़ी जो पंजाबी लैंग्वेज में है लेकिन मुझे लगा कि जैसे मैं कहीं बाहर का गाना देख रही हूँ इतनी अच्छी डायरेक्शन और इतने अच्छे जम्मू की लोकेशंस बताई गई हैं जम्मू बहुत ऊपर जा रहा है। पहला मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू मैंने आपके साथ किया था उस इंटरव्यू के दौरान आपको लगा था कि आप उड़ारिया तक पहुंच जाएंगे? नहीं मुझे नहीं लगा था कि आप मेरे लिए इतने लकी रहोगे और आप इतने लकी रहोगे सच में अपने राहुल जी से इंटरव्यू सभी करवाओ सभी कहीं ना कहीं दूर पहुंचोगे। थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज मैम थैंक यू सो मच। सर कैसे देखते हो आज यहाँ पर जो सॉन्ग रिलीज हुआ है और लगभग हम कह सकते हैं दो से तीन जनरेशन यहाँ पर थी कलाकारों की कितना बदलाव देखते हो और कितनी खुशी होती है यंगस्टर्स को देखकर? देखिए जम्मू शहर में अब लगातार कोई ना कोई फिल्म बन रही है कोई ना कोई गाना बन रहा है कोई सीरियल बन रहा है बाहर से वेब सीरीज वाले आके बना रहे हैं तो मैंने खुद यहाँ फीचर फिल्में बनाई हैं तीन जी तो बड़ा अच्छा माहौल बन रहा है और अभी एक जो कलाकारों का ये पुराना एक सिस्टम था सिर्फ थिएटर तक महदूद थे जी अब हम फिल्म की लाइन तक आ गए हैं और भी जो इसकी जनरेशन हैं उनको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े अच्छे प्रोग्राम यहाँ बन रहे हैं। आज जो गाना था ये भी पंजाब में जो गाने बन रहे हैं उनसे किसी भी तरह पीछे नहीं था आदित्य बानू ने बड़ी अच्छी टेकिंग की थी गानों की और लोकेशन और खास करके जिम के शॉट्स बहुत अच्छे थे। क्या आपकी आने वाली फिल्मों को लेकर कुछ आपको चेहरे नजर आए कि हाँ भाई इनके साथ भी आगे काम किया जा सकता है? बिल्कुल यहाँ बहुत सारे चेहरे थे जिनको देखकर लग रहा था कि इनको इनके साथ काम किया जा सकता है क्योंकि उनके मैंने सबके गाने या उनकी कोई फिल्में जो शॉर्ट फिल्में वो सब देखी हुई हैं किसी न किसी रूप में सबको देखा हुआ है इसलिए मुझे लगता है कि मेरी जो अगली फिल्म है उसमें भी यहाँ के सनी है लेकिन भागने की तैयारी कर रहा है इसको डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन भी नहीं है। ये वो इंसान है जो हमारे कभी कभी बालों की सफेदी छुपाता है कभी कभी ग्लैमरस बनाता है और कभी कभी ऐसे मतलब बैठते हैं और सच में कह रहा हूँ मतलब इन्होंने ओपनिंग की थी पिछले साल जनवरी में साडा डुगर देश सॉन्ग में
तो उसके बाद जैसे आलू के बिना कोई सब्जी नहीं होती ना, तो वैसे हर सॉन्ग में सनी मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सॉन्ग में अपीयरेंस देना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। हर एक कलाकार को तैयार करना, वो भी स्पॉन्सरशिप में, और वो MJ कलर सलून करता है, सनी करते हैं। और कसम से मैंने बड़े बंदे देखे जो कहते हैं अभी पैसों के पीछे भागते हैं, नहीं, ये प्यार और अपनों लोगों के पीछे भागेंगे। सनी जी एक और गाना, और एक और गाने में स्पॉन्सर MJ कलर सलून, बिल्कुल ये इतनी प्यारी आते किससे बड़ी मिल जाए। सही कह रहा है, आपको देख देख के और बाकी को देख के, आदित्य भाई और ये सब जितने भी है ना, इनके साथ मिल के आप लोगों को देखो। तूने एक बात बोली है ना मेरे को कि डुगर है ना, वो पहला सॉन्ग मेरा और पहला आदित्य सर के साथ काम करना, आप लोगों के साथ काम करना, आपकी लाइन अलग और वो दूसरी लाइन में आपको आना है ना, तो उनके साथ मुझे भी आप एक ट्रैक से दूसरा ट्रैक पे लेके लेकिन आप धीरे धीरे आप उसमें ना वो आप सीखते जा रहे हो और कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार तो मिल रहा है, तो वैसे ही तो चलना पड़ेगा ना आपके साथ मोटे से मोटे मिला के। ये लुक आदित्य जी की है अभी, एक्चुअली एक सॉन्ग आपको पता है मुझे क्या पूरे, मतलब ये आज ही किया है मैंने, बड़ी बड़ी थी अभी और थोड़ी बढ़ानी है, क्योंकि एक नया सॉन्ग है जो कि सैड सॉन्ग है, और उसमें दो हीरोइन होगी, एक वो आपको वाली है ना, बिल्कुल, और एक हम नहीं देखेंगे कोई चेहरा, तो ठीक है ये वो भी बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताओ, कभी ऐसा हुआ सनी जी, मुझे खैर पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, ये इंटरव्यू जब हम चढ़ाएंगे अपने JK पेजेस पर, तो जाहिर सी बात है हमारे घर वाले, हमारे धर्मपत्नी भी देखेगी, आपकी भी देखेंगी, तो आपको भी चोरी चोरी मेरे तरह डांट पड़ती है ऐसे? नहीं 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 नहीं, मुझे डांट नहीं पड़ती, मुझे मेरी वाइफ कहती है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही करो। सेम यार, ये बड़ी अच्छी बात है, और इस तरह की सपोर्टिव वाइफ होनी भी चाहिए, मेरी भी है, बिल्कुल है। आप चाहते हो कि मैं वो दिखाऊं, और बोलने से ज़्यादा दिखाने का बनता है जी, बिल्कुल। देखिए मेरी वाइफ है, क्योंकि ये इंटरव्यू एक्चुअली करना नहीं था, बट राहुल की दिलों ख्वाहिश होती है ना कोई, कि मैं कहीं वाइफ के साथ आऊँ और राहुल मिले और वो इंटरव्यू ना करे, हम दोनों को ना देखे, और कुछ मिर्च मसाला होता है कुछ ऐसा है। ये मजाक कर रहे हैं, देखो हाँ, हमारा परिवार, पारिवारिक, हमारा पारिवारिक रिश्ता ऐसा है। और सच में जब भी, हालांकि मेरी वाइफ खुद MJ कलर सलून में तैयार होते हैं, और अपना परिवार जैसा रिलेशन हर एक के साथ बना हुआ है, और नोकझोंक हंसी मजाक चलती रहती है, यही अपनापन, यही प्यार है। उम्मीद हम यही करेंगे कि जितने कम सालों में सनी भाई ने जम्मू के लोगों के दिल में प्यार बनाया है ना, मुझे नहीं लगता कोई और बना पाया, और उतना ही डबल इनको वापस ही मिला। भैया देखो मुझे प्यार ही चाहिए, मैं बार बार सबको बोलता हूँ, मेरा कोई भी इंटरव्यू कैसा भी देखोगे ना, मैं एक ही बात बोलता हूँ, भैया मुझे पैसा नहीं, मुझे एक प्यार चाहिए जो दिलों में, आप लोगों के लिए मेरी जगह है ना, बस वो बना के रखिए, क्योंकि यार पैसा कमाने के लिए और बड़े लोग हैं यार, प्यार चाहिए, प्यार वाले बंदे हैं हम, सीधे साधे बंदे हैं, प्यार चाहिए, प्यार बांटते रहो और प्यार देते रहो, और MJ कलर सलून जरूर जाइएगा, बिल्कुल, मैं भी जा रहा हूँ, बस थोड़ी पाल पड़ी और आमफला में दो ब्रांच है आप लोगों की वजह से, दुआओं की वजह से, तो तीसरी देखो अभी जल्दी आप लोगों को सरप्राइज देंगे, ठीक है, वो चल रहा है अभी। मैं आजकल स्कीमी बाज हो गया, मैं पता क्या करता हूँ, अब जिस गाने में नया शूट हो, मैं देखता हूँ किस गाने में सनी स्पॉन्सर कर रहा है, मैं उसी दिन कटिंग शेव करवाता हूँ कि पैसे ना लगे। तेरे तो वैसे भी यार 50 से ऊपर तो डिस्काउंट लेता है, 80% डिस्काउंट लेता हूँ, तुझे तो स्पॉन्सर लेने, मैं हर बार सनी को फोन करता हूँ, सनी भाई कितने हुए, उतने दे, तेरा जवाब क्या होता है, उतने ही दे जितने देता है भाई, रहने दे, मैं कहीं बता तो दे, ऐसे नहीं जाऊंगा, फिर ये बोलेगा अच्छा इतने, उससे देखता फिर अपना वो देखता, अच्छा मैंने पीछे कितने डाले थे, वही डालेगा फिर, तो ये आगे 50 का 50 करता, मैं उस पे से भी 50 कर देता हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो यही प्यार है, तो खैर ढेर सारा प्यार बना के रखो, हर एक को ऐसे सपोर्ट करते रहो। सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करें होम अप्लायंसेस की शॉपिंग, बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स विद ऑफर्स, CSD फैसिलिटी के साथ, कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, सतवारी, अखनूर और JDA कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक।
कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संतरे होम अप्लायंसेस की शॉपिंग बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स में ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सतवारी अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स सिटी चौक कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संतरे होम अप्लायंसेस की शॉपिंग बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स में ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सतवारी अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स सिटी चौक कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संतरे होम अप्लायंसेस की शॉपिंग बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स में ऑफर्स सीएसडी फैसिलिटी के साथ कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सतवारी अखनूर और जेडीए कॉम्प्लेक्स सिटी चौक कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संतरे होम अप्लायंसेस की शॉपिंग बाय सैमसंग प्रोडक्ट्स में ऑफर्स सीएसडी कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ NIST Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions, now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST, 48D First Floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmana.